हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ। दोस्तों कैसे दोस्तों आप भी अपने फ़ोन में दोस्तों फेसबुक डाटा को डिलीट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में ओप्पो वाले फ़ोन दोस्तों अगर आप फेसबुक सेटिंग को यूज़ कर रहे हो दोस्तों अपने फ़ोन को फेसबुक से अनलॉक नहीं करना चाहते दोस्तों अपना फेसबुक का डाटा आप कैसे डिलीट कर सकते हो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। दोस्तों आप जो भी एंड्रॉइड फ़ोन या दोस्तों ओप्पो का फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसमें आपको पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगा ओप्पो वाले फ़ोन में पासवर्ड बायोमेट्रिक सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन में फेस लॉक सेटिंग पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी पासवर्ड है फेस लॉक का आप यहाँ पर एंटर करोगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो फेस लॉक सेटिंग, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका फेस लॉक का डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। दोस्तों आप इसको यहाँ से डिलीट मत करो। अब दोस्तों आप देख सकते हो आपका जो लोकेशन का पासवर्ड इस पर क्लिक करोगे, जो भी आपका पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना दोस्तों, अगर आप अपने लोकेशन के पासवर्ड को हटाते हो डायरेक्ट दोस्तों आप देख सकते हो आपके फ़ोन जो फिंगरप्रिंट ऐड है या दोस्तों फेस लॉक ऐड है दोनों में से कोई भी एक ऐड है, दोनों ही ऐड है दोस्तों। डिसेबल पर क्लिक करते ही आप अपना पासवर्ड एंटर करोगे दोस्तों आपके फ़ोन में दोस्तों दोनों पासवर्ड हट जाएंगे, मतलब फेस लॉक पासवर्ड, फिंगरप्रिंट लॉक पासवर्ड और आपका जो लॉकिंग का पासवर्ड है ये भी आपके फ़ोन में हट जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो ऑल पासवर्ड रिमूव करना तो लॉक स्क्रीन पासवर्ड को हटा देना। आप अपने फोन में फिंगरप्रिंट को यूज़ नहीं कर सकते और फेस लॉक को, दोस्तों इनको यूज़ करने के लिए आपको वापस से पहले स्क्रीन लॉक को सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो ओनली फेस लॉक डिलीट हो बाकी पासवर्ड रहे तो आपको यहाँ पर फेस लॉक का डाटा यहाँ से डिलीट कर देना है। जो भी आपका फेस लॉक का पासवर्ड एंटर करोगे और यहाँ पर इसको डिलीट कर देना दोस्तों, यहाँ पे फेस लॉक डिलीट हो जाएगा। आपको लिखा है यहाँ पे ऐड फेस, मतलब अगर आप वापस से यूज़ करना चाहते हो आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके फेस लॉक को दोबारा से शो करना है और यहाँ पर आप ऐड करके वापस से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों कुछ इस तरीके से अपने फोन दोस्तों फेस लॉक डाटा को डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन पर फेस लॉक शो नहीं कर रहा है। आपका जो पासवर्ड है आप उसको पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करो, अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो बिना फेस लॉक के। दोस्तों जब भी आपका मन करेगा वापस फेस लॉक को यूज़ करने का तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपके पास लॉक स्क्रीन का पासवर्ड सेट है दोस्तों बिना किसी प्रॉब्लम के आप वापस से फेस लॉक को यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फेस को ऐड कर देना है, आप अपने फ़ोन में फेस लॉक सेटिंग को वापस से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों कोई और डाउट हो, कोई और प्रॉब्लम दोस्तों फेस लॉक की सेटिंग को लेकर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।